और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं रोहन गुप्ता हमारे साथ बीजेपी नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुस्सा तो रोहन जी हम सबने देखा ही है, अपने देश के लोगों को जो मैसेज वो देना चाहते थे वो भी दे दिया उन्होंने, लेकिन कटाक्ष तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी सैम पित्रोदा ने किया, राम मंदिर के ऊपर भी किया और देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों के ऊपर भी किया। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए बड़े दुख की बात है, ये किसी एक व्यक्ति के नहीं 140 करोड़ भारतीय के अपमान की बात है और प्रधानमंत्री का आहत होना स्वाभाविक है क्योंकि देश की जनता के ऊपर देश के बाहर रहकर ये जो सोकॉल लिबरल लोग हैं जो बाहर बैठ के क्या देश को डिसाइड करेंगे। सैम पित्रोदा जी कितना टाइम भारत रहते हैं, हर बार चुनाव आते हैं, सलाहकार बनते हैं, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को तय करते हैं और फिर जब इस प्रकार के बयान देते हैं तब कांग्रेस पार्टी ये कहती है तो निजी बयान है। कब तक आप निजी बयान के पीछे कांग्रेस पार्टी की असली विचारधारा को छिपाते रहेंगे? सैम पित्रोदा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है शालिनी जी, वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कन्वीनर हैं। राहुल जी की जितनी भी बाहर की मीटिंग्स होती हैं देश के उसको पूरा कन्वीन करते हैं, मैनिफेस्टो के अंदर जो भी आर्थिक नीतियां होती हैं उसमें उनकी से रहती है। ऐसे व्यक्ति का बोलना मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसका प्रतिबिंब है और इसके स्टेटमेंट को ये कह देना कि ये व्यक्तिगत स्टेटमेंट है ये नहीं हो सकता है ना। एक बार गलती हो सकती है, दो बार गलती हो सकती है और ये पहला चुनाव नहीं है। 2019 में भी हमने देखा था कि उन्होंने स्टेटमेंट किए थे, 2024 में भी ये कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है ये कोई संयोग है, ये प्रयोग है। देश की जनता के स्वाभिमान के साथ में ये जो बार बार प्रयोग हो रहा है मुझे लगता है आज उसकी पराकाष्ठा हो गई है। किस प्रकार से आप देश की जनता को ये कंपेयर कर सकते हैं? किस प्रकार से मोदी जी के ऊपर सवाल उठाए थे देश के ऊपर सवाल उठा रहे हैं आप? आज मोदी जी के ऊपर सवाल उठाते देश की अस्मिता पे सवाल उठाने लग गए हैं आप। रोहन जी मतलब आप ये पहले से मान रहे हैं कि कांग्रेस इस बयान से भी पल्ला झाड़ लेगी? विरासत टैक्स का बयान अभी हमने सुना ही था सैम पित्रोदा का, उससे भी पल्ला झाड़ लिया था, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन बड़ी बात यहां पर ये है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है रोहन गुप्ता जी कि कांग्रेस अब सामने आए, राहुल गांधी सामने आए और बताएं इस बयान के पीछे उनकी क्या सोच है, क्या वो होता हुआ आप देख पा रहे हैं? आएंगे राहुल गांधी प्रियंका गांधी सामने और बताएंगे कि इसके पीछे के मायने क्या है, उनकी सोच क्या है? नहीं बताएंगे शालिनी जी, बिल्कुल पल्ला झाड़ लेंगे और मुझे लगता है झाड़ लिया होगा। एक बड़े व्यक्ति जो पदाधिकारी हैं आपकी रणनीति तय करते हैं उसका कोई भी बयान आप व्यक्तिगत बयान देके हर बार पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, आपको जवाब देना होगा देश को और ये बार बार नहीं हो सकता है। शालिनी जी मैं मान सकता हूं कभी किसी व्यक्ति से एक बार गलती हो जाए, क्या बार बार गलती होगी? विरासत टैक्स की बात हुई तब भी कहा पल्ला झाड़ लिया, हमने ये नहीं कहा, तो ये बयान किसका बयान है? या तो कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आईओसी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की एक कन्वीनर है, उनको इमीडिएटली बर्खास्त करना चाहिए अपने पद से और आने वाले दिनों में एक भी स्टेटमेंट एक भी नेता के द्वारा नहीं है उसका ध्यान रखना चाहिए। पर हर बार पल्ला झाड़ लेने से कि नहीं ये हमारा व्यक्तिगत स्टेटमेंट, ये हमारा पार्टी का नीति नहीं है, व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, ये कहने से आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। बहुत हर देशवासी आहत हुआ होगा, उन्होंने जिस प्रकार से मोदी जी के राम मंदिर के विजिट के ऊपर या रामनवमी के ऊपर भी बात करके वापस जो सनातन के ऊपर क्या कांग्रेस की विचारधारा है उसका भी उन्होंने आज वापस एक परिचय हमको दिया, तो मुझे लगता है ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है, देश की अस्मिता की बात है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ निजी बयान बोल के अपना पल्ला नहीं झाड़ पाएगी, या तो माफी मांगनी होगी और इनको बर्खास्त करना पड़ा होगा, देश को बोलना पड़ेगा कि इस प्रकार के बयान कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता फ्यूचर में नहीं देगा। बिल्कुल, क्योंकि इस बार एक विवादास्पद बयान नहीं दिया रोहन गुप्ता जी, कई विवादास्पद बयान दिए हैं, आगे भी मैं आपके पास लौटती हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। लेकिन एक और बड़ा बयान सैम पित्रोदा से ही हम बता देते हैं। देखिए राम मंदिर पर विवादास्पद बयान सैम पित्रोदा की तरफ से दिया गया है, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर से लोकतंत्र को चुनौती है, राम मंदिर के त्योहार को भी सैम पित्रोदा ने लोकतंत्र के लिए चुनौती करार दे दिया। पित्रोदा ने आगे ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय नेता की तरह बात ही नहीं करते हैं, पीएम बीजेपी नेता की तरह बात करते हैं। तो सैम पित्रोदा की इस बार की हर बात हर लाइन विवादास्पद है। That's my India. Okay. So that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and, you know, talking, you know, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP. राम मंदिर को लेकर रामनवमी का वो जो पूरा उत्सव था उसे लेकर भी सैम पित्रोदा का एक विवादास्पद बयान रोहन गुप्ता आपने सुन लिया होगा। और रोहन जी ज्यादातर भारतीय तो इसी राम मंदिर को और राम को अपनी शक्ति मानते हैं, ये मानते हैं कि राम है तो वो है, लेकिन सैम पित्रोदा को तो लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है।
देखिए शालिनी जी, 15 साल से इस पार्टी से जुड़ा रहा, पर आज मुझे लगता है कि जो बयान आ रहे हैं, अगर आज पार्टी में होता तो ये नहीं सहन कर पाते। और मेरे जैसे जो हजारों लाखों लोग पार्टी में आज काम कर रहे होंगे, सबके हाथ होंगे, इसको आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं? आपको किसने लाइसेंस दे दिया? आप देश के अंदर रहते नहीं है, देश की बाहर रह के देश की अस्मिता के ऊपर बात करने का आपने लाइसेंस कैसे दे सकती है कांग्रेस पार्टी? कैसे इस प्रकार के व्यक्ति के हर बार ये बोल दे कि व्यक्तिगत बयान है? राम मंदिर के ऊपर आप बात कर रहे कि उससे लोकतंत्र खतरे में? मोदी जी के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं? अरे आप तो देश के बाहर है ना, आप देश के बाहर रह के देश नहीं चला सकते। ये तो एक ब्रिटिश मानसिकता है कि ना हम देश के बाहर रहेंगे और देश की जो बातें यहां से हम करेंगे। ये लाइसेंस क्यों मिला? आप सेन पित्रोदास जी का, शालिनी जी, हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, वो पदाधिकारी हैं, वो राहुल जी के सलाहकार हैं, इसको इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे व्यक्ति के स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बैकएंड में क्या विचारधारा चल रही है, मुझे लगता है उससे देश को जोड़ के देखना होगा। और कांग्रेस में तब से जुड़े हुए हैं जब से इंदिरा गांधी थी, सबसे पुराने नेताओं में से एक है सैम पित्रोदा। बहुत शुक्रिया रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरी बीजेपी इस बयान के बाद अब सैम पित्रोदा का विरोध कर रही है और ये कह रही है कि जो कहा गलत कहा है, पूरी कांग्रेस इसके लिए माफी मांगे। लेकिन बड़ी बात, कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कांग्रेस की तरफ से अब सफाई दी है, ट्वीट किया है, ये कहा कि सैम पित्रोदा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहा कि इस तरह के बयान स्वीकार नहीं किए जा सकते। तो ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा एक बार फिर से। पहले भी सैम पित्रोदा के बयान के चलते किरकिरी हो चुकी थी। अब बड़ी बात यह है कि ट्वीट तो कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। न्यूज 18 इंडिया के अरुण मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर लूंगी। अरुण, बीजेपी नेता है तो ये कह रहे हैं कि ट्वीट भर से काम नहीं चलेगा, राहुल गांधी भी इसके बाद माफी मांगेंगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बीच चुनाव में सैम पित्रोदा के दो बयानों से इतनी ताकत मिल गई है और देखिए किस तरह से कोऑर्डिनेटेड हमला भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और करे भी क्यों ना, बीच चुनाव में अगर इस तरह के विवादास्पद बयान देंगे जिससे पार्टी को पल्ला झाड़ना पड़ेगा। जयराम रमेश मीडिया विभाग के महासचिव, उन्होंने कहा कि ये अस्वीकार्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है और पार्टी का कोई मतलब नहीं उनके इस बयान से। दूसरी बार ऐसा लगातार हो रहा है, वेल्थ जो टैक्स था उसकी बात, इनहेरिटेंस टैक्स की बात थी जब उन्होंने कहा था, उस पर भी पार्टी को किनारा करना पड़ा था। दूसरी बार उन्होंने 15 दिन के अंदर ऐसी कही है। तो भारतीय जनता पार्टी, खुद प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया और साउथ में हैं भी, वो प्रचार भी कर रहे हैं, तो जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, कांग्रेस निश्चित रूप से बैकफुट पर है। कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी और अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी से सफाई मांग ली है प्रधानमंत्री ने कि उनको साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि सैम पित्रोदा जो कुछ कह रहे हैं उस पर पार्टी की राय क्या है। हालांकि पार्टी की राय स्पष्ट हो गई, पार्टी ने अपनी सफाई दे दी है, लेकिन एक बात और, पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी से हर बात पूछ करके सैम पित्रोदा नहीं बोलते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जब विदेश वो जाते हैं तो सैम पित्रोदा ही ऑर्गेनाइज करते हैं राहुल गांधी के कार्यक्रम। तो कांग्रेस पार्टी कटघरे में है, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, कांग्रेस के भी कई नेताओं के मन में है कि आखिर बीच चुनाव में सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर, राशिद अलवी इस तरह के बयान देते क्यों हैं? लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को, अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को क्या बोलना है बीच चुनाव में, अगर वो समझदारी नहीं दिखाते हैं तो निश्चित रूप से अपोजिशन उनको घेरता, और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अच्छे तरीके से कांग्रेस को इस मुद्दे पर बैकफुट पर धकेल दिया। बिल्कुल, और सैम पित्रोदा जैसे वरिष्ठ नेता को भी अगर ये समझाने की जरूरत पड़े कि बीच चुनाव में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो फिर कांग्रेस के लिए इससे बड़ी मुसीबत नहीं हो सकती।